अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर शवाना, आज हम घरेलू मसाइल पर बात कर रहे हैं खवातीन के। तो जो मर्द अपनी बीवियों पर हाथ उठाते हैं, क्या करना चाहिए औरतों को? केसेस तो रिपोर्ट होते हैं, आपके पास इस किस्म की खवातीन आती हैं? जी एब्सोल्युटली। अगर आप ये सोचें कि ये सिर्फ एक तबके तक महदूद है तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये हर लेवल पे है और एजुकेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इट इज द पावर डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे पावर जो है जिसके पास आ जाती है, और अगर साइकोलॉजिकल इश्यूज हों और पीछे से आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास के साथ भी पैकेज चल रहा हो, आपका अपना एहसास से कमतरी हो, आप में इतना कॉन्फिडेंस ना हो, आपको कोई भी अगली चीज जो है वो थोड़ी सी भी ट्रिगर कर सकती है, बॉदर कर सकती है, तो उसमें आप फिजिकल ट्रॉमा से लेके, फिजिकल अब्यूज से लेके, इमोशनल अब्यूज, फाइनेंशियल अब्यूज, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ अब्यूज। एक्चुअली यूएसए के अंदर जो स्टेटिस्टिक्स अगर आप देखें तो 41% 42% औरतों के ऊपर फिजिकल अब्यूज होता है, और जो आदमी है उनके ऊपर भी 26% है। उसमें भी जरा ट्रांसजेंडर्स और इस तरह से मिनोरिटीज भी आ जाती हैं, लेकिन ओवरऑल ये हर जगह प्रेवलेंट है और इसका एजुकेशन से भी जो है इतना ताल्लुक नहीं है, बल्कि आपकी तरबियत से ताल्लुक है। आपके जो आप पल बढ़ रहे होते हैं, किस तरह से आपकी तरबियत हुई है, और जिस तरह से अगर कोई बच्चा है उसके सामने अब्यूज हो रही हो तो डॉक्टर उसके ऊपर शिवाना, मुझे चाइल्ड ये अब्यूज हो। बताइए, आपने फिजिकल अब्यूज़ की बात की कि औरतों पे भी होता है और 26 to 27% रेट मर्दों पे भी है। ये बताएं कि जब हम बात करते हैं औरतों पे होने वाले फिजिकल अब्यूज़ की, तो उसकी असल वजह क्या है? ऐसी क्या नौबत आती है और क्या इश्यूज क्या हो सकते हैं कि फिजिकल अब्यूज़ हो जाता है ट्रिगर? देखिए जी, आई एम सॉरी, मुझे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बोले, जी, मैं कह रही आपकी थी आवाज नहीं आई। फिजिकल अब्यूज़ की बात हो रही थी, फिजिकल जो टॉर्चर है या जो फिजिकल एक अनरीजनेबल एक्टिविटी होती है मियाँ बीवी के दरमियान, उसका मुझे बताएं कि अगर तो ये हो रहा है किसी भी शादी जोड़े में, तो क्या वजूहात होती है, वजह क्या बनती है? देखिए, अभी आप लोग सारे बात कर रहे थे ना, हमेशा गो बैक टू द बेस लाइन। आप देखें कि आप बात कर रहे थे मियाँ बीवी के अंदर ताल्लुकात क्यों खराब होते हैं, माँ जो होता है उसका क्या रोल होता है। अगर जो बच्चा 2 साल का होता है तो आप देखें कि वो उसकी तरबियत कैसी हो रही होती है। माँ उसको कहती है जाओ वहां से वो चीज पकड़ के लाओ, बच्चा जो है थोड़ी दूर जाता है, उसके बाद पीछे देखता है कि मेरी माँ बैठी हुई है कि नहीं, टॉय पकड़ता है, फिर वापस आता है, फिर और डिस्टेंस कवर करता है, फिर और पीछे जाके देखता है कि मेरी माँ बैठी है कि नहीं। इसको कहते हैं सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी जो लाइफ में उसको चाहिए होती है। अब ये जब बच्चा आगे पढ़ता है, बढ़ता है, तो फिर ये होता है कि जो माँ होती है उसको एक माँ बाप दोनों उसको एक रिजनेबल आदमी, डिसेंट आदमी, लड़के से मर्द बना रहे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात आ जाती है डिसीजन मेकिंग की, और उसको इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बना रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि कभी कभी आपके अपने इतनी महरूमियां होती हैं रिलेशनशिप में माँ बाप के अंदर, कि एक औरत जो है वो जाके ये कहना शुरू कर देती है कि मैंने तो अपनी उम्र सारी उम्र गुजार दी बच्चों की खातिर, और मेरा अपना रिलेशनशिप मियाँ के साथ अच्छा नहीं था, मेरा मियाँ तो मुझे मारता था या मेरे पे टॉर्चर होता था, ये मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन मैंने बच्चों की खातिर इसमें इस रिलेशनशिप में टिकी रही। अब वो अपनी महरूमियां अपने बच्चों के सहारे जो है वो जीती है, तो उसकी वजह से जो है एक बच्चा कभी मर्द बनता ही नहीं, वो हमेशा मामाज बॉय बना रहता है। उसकी वजह से जो उसके तमाम डिसीजन मेकिंग होती है वो पीछे से माँ बाप ही कर रहे होते हैं, हालांकि वो एक मर्द की डेफिनेशन बाय डेफिनेशन वो मुनसिफ होता है कि उसने इंसाफ करना होता है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, वो रिलेशनशिप के अंदर इंसाफ कर ही नहीं सकता। अगर वो इस तरह की तरबियत घर से हुई थी बचपन से, उसके बाद अगर उसकी कंपनी खराब होगी, ड्रग्स आ गए, या अगर आप कह लें कि उसकी कंपनी खराब होगी जहां पे इस तरह हाथापाई होती थी, या उसने अपने बचपन में हाथापाई को देखा, या फिर उसने ये देखा कि चलते बढ़ते जो रिलेशनशिप्स जो हैं उसके ऊपर ताकत जो है आजमाने से ही अपने आप को इंसान मर्द कहला सकता है, बजाय इसके कि वो मर्द है बाय डेफिनेशन जो मुनसिफ है, जो काइंड है, उसको इस डेफिनेशन का पता ही नहीं है। उसने जब भी अपनी बात मनवानी है तो हाथापाई से मनवानी है, जोर जबर से, जबर से, उसको यही चीज करनी आती है। तो ये तमाम चीज आपके घर की तरबियत से, आपकी कंपनी से, आपका उठना बैठना कैसा है उससे स्टार्ट होती है। और अगर कहीं आपकी कंपनी खराब हो गई और ऐसे लोगों में आपने उठना बैठना शुरू कर दिया जहां पे ये नॉर्मल कंसिडर होता है, और यार ऐसे ही बोल रही थी, बदतमीजी की, मैंने जरा चपेड़ करा दी, तो उसको नॉर्मल कंसिडर हो रहा है। और आगे से जो औरत है वो इसको पार्ट ऑफ कल्चर समझते हुए कि हाँ शायद एक दो चपेड़े खा लेना या आगे से आवाज ना उठाना अपने हक के लिए, या वो इतनी तगड़ी नहीं है, उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, या पीछे से उसका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है
तो फिर वहां से जो आदमी है वो एक रविश उसकी ऐसी इख्तियार हो जाती है। बट हैविंग सेड दैट, ये हमेशा पीछे से चलता है, आपकी तरबियत से चलता है। एक बाशऊर आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी, एक मुनसिफ और काइंड आदमी, ये नहीं हो सकता कि 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में जाके उसको कोई दौरा पड़ गया, वो साइकोलॉजिकली अनस्टेबल हो गया। इंसान के ऊपर तो आती हैं आजमाइशें, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस आते हैं और इतनी ज्यादा आपके साथ आ जाते हैं, लेकिन उनका ट्रॉमा के साथ जो डील करने का तरीका होता है वो फिजिकल नहीं होता, बल्कि वो कम्युनिकेटिव होते हैं, वो बैठ के अपने मसले मसाइल हल करते हैं। तो कमिंग बैक फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द कंपनी और फिर ड्रग्स और ये सारी चीजें जो होती हैं, इट कैन लीड टू दैट। और फिर वो कभी कभी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है उनका, क्योंकि उनका बचपन ऐसा गुजरा होता है, उनको ये भी नहीं पता होता है कि वो साइकोलॉजिकली कितने अनस्टेबल हैं, कितने इनसिक्योर हैं। थोड़ी सी चीज उनको ट्रिगर कर जाती है और वो हाथ किसी पे उठा देते हैं, या बदजुबानी या बदकलामी करना शुरू कर देते हैं। तो ये पूरे पैकेज में आ रहा होता है। अगर साइकोलॉजिकली, तो ऑफकोर्स आप उसको साइकोलॉजिकली थेरेपिस्ट के पास लेके जाएंगे या मैरिज काउंसलिंग करेंगे, बट ये पूरा पैकेज होता है, कोई एक चीज नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शिवाना। मैं जब आपसे बात करती हूँ फीफा, मुझे ये बताइए सारा खान, मुझे ये बताइए कि जब किसी पे घरेलू मसाइल की वजह से जब बहू पे तशद्दुद किया जाता है या कुछ इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, शोहर भी होता है और ससुराल वाले भी, अगर बीच में इन्वॉल्व हो जाए, मिल जाए उसको टॉर्चर देने में, तो वो किस हेल्पलाइन पर कॉल कर सकती है, वो रिपोर्ट कैसे कर सकती है, उसके क्या तरीके हैं, क्या पैरामीटर्स हैं? अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि हमारी वज़ीर आला साहिबा हैं मरियम नवाज़, उन्होंने बहुत अच्छा फीमेल के लिए पंजाब वेमेन पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट अभी लॉन्च किया है और बताया है। इससे पहले 2015 में भी आ चुका है, ये बिल पास हो गया है। जिस तरह से मोटरवे पे एक अपना इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, उस इंसिडेंट के बाद औरत की प्रोटेक्शन के लिहाज से वो बिल पास हुआ था पंजाब असम्बली में भी, और वो जो हेल्पलाइन है उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो। पंजाब वेमेन पुलिस जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो आपके घर भी आएगी, आपकी कॉल भी ट्रेस होगी, आपकी लोकेशन भी ट्रेस होगी, ठीक है, इंक्वायरी होगी, तफ्तीश होगी और आपका मामला सॉर्ट आउट होगा। एक्शन लिया जाता है, डेफिनेटली लिया जाता है। लेकिन मैं पहले बता दूं, कोई कंप्लेन नहीं करेगा। कंप्लेन करने के ऊपर भी डिपेंड करता है, एब्सोल्युटली राइट। सर ने जो बात की, अपने घर बचाने हैं, जाहिर है। कॉम्प्रोमाइज तो हमारी औरत है, इतनी खूबसूरत औरत का दूसरा नाम ही कुर्बानी। बीवी के बीच में झगड़ा हो रहा होता है तो ससुराली सारे मिलकर बढ़ावा देते हैं, बढ़ावा देते हैं। लेकिन अब हमारी औरत पढ़ी लिखी हो गई है, उसको समझ आ गई, राइट्स का पता चल गया है, और पढ़ी लिखी औरत जो है वो ज्यादा इफेक्टेड होती है और वो घर भी बसा रही होती है। सजा क्या होती है अगर इल्जाम लगता है शोहर पर कि उसने इस तरह से हाथ उठाया है घरेलू मसाइल की वजह से, खातून पर इस तरह से मसाइल दरपेश हुए शोहर की जानिब से, तो क्या सजा है इसमें? प्रोटेक्शन आएगी, पहले तो प्रोटेक्शन आएगी कि सेक्शन 4 से लेकर 17 तक रेमेडी होती है औरत के पास। अदालत जाएगी, अदालत का दरवाजा नॉक करेगी, yes. हम जैसे अच्छे वकील उसको हेल्प आउट करेंगे, उनकी पिटीशन दायर करेंगे, हम उनकी आवाज सुनते हैं। मैंने शादियां भी करवाई हैं, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज भी हम करवाते हैं, निकाह भी करवाते हैं, सब कुछ होता है। ये डिपेंड करता है वकील के ऊपर भी और आपके क्लाइंट के ऊपर। खुद से जाके दरखास्त भी दे सकते हैं, दरखास्त भी आप पुलिस को भी, रेलिवेंट जो आपका थाना है वहाँ पे भी आप मूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेशल हमारी एप्लीकेशन लॉन्च की है मरियम साहिबा ने, पंजाब वेमेन पुलिस एक्ट, वहाँ पे आप काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। गुलबर्ग में हमारे शहर बानो बड़ा अच्छा काम कर रही है, ये लेटेस्ट बातें हैं और ये रेल में काम हो रहा है, सुनवाई भी हो रही है। और ये जो फैमिली कोर्ट्स की जो हम बात करते हैं सर, मैं आपका भी कमेंट इसमें लेती हूँ। फैमिली कोर्ट्स की जो बात की जाती है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि चेंजेस अभी आ रही हैं, yes. वो हालात नहीं है नहीं जो 3 महीने अब, बेशक चेंजेस आ रही है नई हुकूमत के साथ साथ, लेकिन कौन कौन से जो नई डेवलपमेंट्स हैं आप लोग देखते हैं कि हो रही हैं, ये बताइए। डेवलपमेंट्स ये हो रही हैं कि पहले लड़कियाँ घबराती थी, ठीक है, कोर्ट मैरिज करने से भी घबराती, अब उनको हम मौलवी भी फरहम करते हैं, उनके घर वालों के भी राजीनामा लेते हैं, और एक हमारा छोटा सा एक होता है हरासमेंट का, हम दावा दायर करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं, साथ में सेशन कोर्ट में वो फाइल होता है, अगर वो निकाह करने आती हैं तो फिर साथ में हम वो दावा भी उनको प्रोटेक्ट करते हैं कि कल को लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, ये चीज़ होती है। तो आमना, अगर मैं आपसे पूछूँ तो जो वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो जैसे इदारे हैं वो खवातीन को तहफ़ फराहम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, अगर ख्वातीन चाहें कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए तो, जिस तरह सर कह रहे थे, तो हम तो 2 घंटे की मगजमारी के बाद भी उनको बोल रहे होते हैं कि कंप्लेन कर दो, कुछ ना कुछ निकल आएगा। आपने कुछ बताया 2015 में आया था, यस यस, एक्ट इम्प्लीमेंट तो तब होगा ना जब कोई
को घर बनाया है तो उसमें कोई जाके रहेगा तो वो घर बनेगा ना, कि आप सिर्फ एक ढांचा बना के रखते हैं। रिपोर्ट हुए हमारे पास आए हैं सिविल कोर्ट, किस लेकिन वो वापस नहीं ली जाती दरखास्त के बाद में। अच्छा फिर वो क्या करते हैं वो अगले दिन, क्योंकि हमें भी हो रही है ना कि खवातीन से ज्यादा उनके मां-बाप को काउंसलिंग की जरूरत है। बिल्कुल है जी, ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है और मैं इसका जवाब बहुत खुशी से दूंगी। माँ बाप से बड़ी रिक्वेस्ट है, ये जो आपने पैदा की है ना, ये बोझ नहीं था, ये बेटियां हैं, ये इंसान है, ये बड़ी खूबसूरत है, ये सोचती हैं, ये माएं हैं, दुनिया के सारे अजीम लोग औरत की कोख से पैदा हुए। बिल्कुल, और ये इस कायनात की हसीन तरीन तख्लीक है, तो बराए मेहरबानी इसको भी इंसान समझते हुए इसके लिए थोड़ा सा स्टैंड ले लिया करें। अच्छा, एक दो फैमिलीज के हम केस देख रहे थे, क्योंकि हम ये केसेस भी देखते हैं, मेरे हस्बैंड एक लॉयर हैं, तो बहुत से केसेस मुझसे होके उनकी तरफ जाते हैं, तो वो ना एक दिन तो वो बड़ा बोल रही होती है, मैडम आप देखिएगा जरा मैं इसका हाल क्या करती, इसने मार मार के मुझे ये, अगले दिन कहती है माफी मांग रहा था, इंसानियत के नाते मैं माफ कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो सवाल उठता है, वहाँ आप इतना शर्मिंदा होते हैं, कहते हैं भाई अब ना बात करना ठीक है, और सबसे ज्यादा माँ कह रही होती है ना तेरे बाप को कुछ हो जाएगा, अच्छा टॉर्चर चेक करें, बात सुन कुछ ना करी तेरे अब्बू को कुछ हो जाएगा। तो मैं इनको कहती हूँ कि अब्बू को जो होना है वो एक ही दफा होना है, ठीक है, आप अपना एक कदम उठाएं सच की तरफ। और बहुत सी ऐसी बाशऊर लेडीज हैं, खातून कितनी वो दिल की होती हैं, हाँ, जल्दी नरम होती है ना, ये मखलूक ही अल्लाह पाक ने ऐसी बनाई है जिसका दिल जो है वो बड़ा नाजुक है, क्योंकि दो दो गवाहियां डलवाई हुई हैं। अच्छा एडजस्टमेंट पर्सपेक्टिव खवातीन में निस्बतन ज्यादा होता है और बर्दाश्त फ्लेक्सिबल होती है, कितना लेवल है कि वो माफ करने को भी तैयार होती है, अपनी पसंद छोड़ देती है, अपने हिस्से छोड़ देती है, भाई बहन को प्यार से कहेगा तुम हमारी शादी में इतने बाप ने लगाए पैसे, वो तो मैं कहती हूँ कि ऐसा रवाज चल पड़ा था कि बहनें बड़ी खुशी खुशी, आज मैं अपने भाई को ना हिस्सा माफ कर रही हूँ, तू कौन होती है माफ करने वाली, जो चीज तुम्हें दी जा रही है वो तुम्हारे बाप की जायदाद में से, तुम कौन हो कि अपने भाई को हिस्सा माफ करो, मगर वो मोल्ड कर लेते हैं। ठीक बात, तो ये वाली चीज है। यहाँ पे हमें कॉलर ऐड करते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।